मोबाइल से फोटो खींच के पैसे कैसे कमाते हैं, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम सेलिंग फोटोज ऑनलाइन। जी हाँ, अगर आपके पास भी एक मोबाइल फोन है जिसका कैमरा मिनिमम 4 मेगापिक्सल से ऊपर है तो आप महीने के लाखों आप घर बैठे कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या क्या इसमें चाहिए, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको इसमें बताऊंगा क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है ये सब चीज करते वक्त, जो सब अक्सर लोग इसमें करते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा किस तरह से जो है इजिली कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक नहीं करते हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने जो है स्टॉक फोटोग्राफी या स्टॉक वीडियोग्राफी के बारे में तो जरूर सुना होगा। चलो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। नॉर्मल हम जो मैगजीन में देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं या फिर किसी के होर्डिंग्स में देखते हैं या कहीं भी हम कुछ भी बैनर्स में फोटोज देखते हैं, वो सब फोटोज जो है वो खरीदा हुआ होता है। ऐसे नहीं कि कोई मेरी आपकी कोई भी पिक्चर लेके कोई भी कहीं पर छाप सकता है, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर उनको प्रॉपर लाइसेंस के साथ उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। कोई वीडियोज़ बनाता है या कुछ करता है तो आप ही देखो, आप अगर कोई वीडियोज़ बनाते हो या कुछ भी कहीं पर इमेजेस लेते हो तो फ्री वाली इमेजेस आप यूज कर सकते हो, लेकिन किसी की कॉपीराइटेड इमेज आप यूज करोगे तो फिर आपके लिए उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपने फोटोज जो है सेल करती हैं और बहुत सारे लोग इसको खरीदते हैं। आप खरीदते हैं तो वो तो बात समझ में आ गया, लेकिन सेल करते हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा। आप जो नॉर्मल जो है अपने मोबाइल फोन से जो फोटो खींचो, अगर आप गाँव में रहते हो, ठीक है ना, तो गाय बकरी भैंस पेड़ तालाब कुछ भी उसके फोटो खींच सकते हो। अगर आप शहर में रहते हो तो कुछ भी पार्क की फोटो या कहीं भी फोटो, या आपको जो है बर्ड्स का शौकीन है तो जो है बर्ड्स की फोटो या कुछ भी फोटो, यानी अगर आपके घर में कोई प्रोडक्ट है या कोई खाना बना रहा है या फिर घर में आपने कोई अच्छा कपड़ा पहना है तो उस कपड़े की फोटो, कुछ भी आप जो है फोटोज अपलोड कर सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको यही करना है या नहीं करना है, ठीक है। इसमें सिंपल से मैं आपको बता दूं ये काम कैसे करता है। उस बहुत सारी कंपनी है जैसे गेटी इमेजेस हो गया, आई स्टॉक हो गया, ठीक है, सटर स्टॉक है, ये बहुत बहुत करोड़ों की कंपनियां हैं। ये क्या करती हैं, नॉर्मल जो है हमारे और आपके जैसे क्रिएटर ही इसमें जो है अपनी वीडियोस या फिर अपनी फोटोज जो है वो इसमें अपलोड करते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद अब उनके वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, जो मेंबरशिप लिए रहते हैं या फिर कोई उनको वेबसाइट में अगर खरीदता है तो वो उनको पैसे लेती है और उस पैसे का जो है अच्छा अमाउंट आपको मिलता है, ठीक है। यानी कि आपने अपना फोटो या वीडियो उस वेबसाइट में जाकर अपलोड कर दिया, अब कोई वहाँ से जाकर खरीदता है तो उसके अच्छे खासे 70 से 80% जो है प्रॉफिट आपको मिलता है और बाद बाकी 20 से 25% वो अपनी रखती है, ठीक है। यानी कि हमेशा आपको जो है घर बैठे आपको जो प्रॉफिट होगा। और इसमें करना क्या है, देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको जो है टॉप 10 जो वेबसाइट्स हैं, जो अच्छे अच्छे वेबसाइट है, उसका नाम मैं नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस उस वेबसाइट में जाना है, उस वेबसाइट में जाके अपना आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करके आपको जो है फोटोज अपलोड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसमें करना क्या है, इसमें टिप्स मैं आपको बता दूं कि जब भी आप उसमें फोटो अपलोड करोगे तो सबसे पहला बात कि आप जो भी इस कैमरा से अगर फोटो खींचते हो तो मिनिमम जो है वो आपके जो है 4 मेगापिक्सल से ऊपर की फोटोज होनी चाहिए, अगर उससे कम रहेगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद है कि इसमें आपको जो है रेगुलर इसमें फोटोज जो है अपलोड करना है। अगर आप महीने के 10 फोटो अपलोड करते हो तो एक ही बार में 10 फोटो अपलोड मत करो कि यार मैंने 10 फोटो अपलोड कर लिया और एक ही बार में अपलोड कर दिया, जी नहीं। इनका जो वेबसाइट का सिस्टम जो है कुछ अलग से काम करता है, ठीक है। तो आपको जो क्या करना है, अगर आप डिसाइड कर लो कि आप महीने में कितनी फोटो खींच सकते हो, अगर आप डिसाइड कर लो कि हाँ महीने में 10 फोटो खींच सकता हूँ, तो जो है पहले वीक में 3 फोटो, अगले वीक में 3 फोटो, फिर अगले वीक में फिर 2 फोटो 3 फोटो, ऐसे करके डालो, यानी डिवाइड करके डालो, सिस्टमेटिक वे में डालो। अब बात आती है इसमें कैटेगरी की। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि कभी पिक्चर, कभी जो है पंछी का फोटो ले लिया, कभी केक का फोटो ले लिया, कभी मोबाइल फोन का फोटो ले लिया, कभी राह चलते किसी पेड़ का फोटो ले लिया, ऐसे नहीं। आपको ये कैटेगरी डिसाइड करनी है, 2 से 3 कैटेगरी रखो, ठीक है। जैसे मान लो जैसे बर्ड्स हो गया या फिर कोई खाने का आइटम हो गया या फिर पेड़ पौधा हो गया, तो ये सब चीज़ आपको 2 से 3 कैटेगरी पकड़ो और उसी कैटेगरी के अंडर ही 2-3 कैटेगरी के को लेके ही आप जो है पर्टिकुलर जो भी वीडियोस या जो भी फोटोज डालोगे वो डालो। अपने अपने ही कैटेगरी के अंदर कंटिन्यू वीडियो या फिर फोटोज आप डालोगे तो वो आपको सेल होने के चांसेस जो है 90% आपके बढ़ जाते हैं। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप इसमें जो है अपनी फोटो भी डाल सकते हो, अच्छे कपड़े पहन के या कोई अच्छा कपड़ा पहना हुआ है कुछ पोज करके आप उसकी भी फोटो डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके एक फॉर्म भरना पड़ता है
ऐसा नहीं कि राह चलता आप किसी की फोटो खींच के डाल दोगे, ऐसा नहीं। उसके एक ऑथर, एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रूफ के लिए फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें आपको नाम, एड्रेस वेड्रेस सब देना पड़ता है। और देने के बाद अगर मैं अपनी फोटो अपलोड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसा मग लेके ऐसा खा रहा हूँ या कुछ भी फोटो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, तो उसको मेरी अपनी पूरी डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी वहाँ पे वेबसाइट में, जिस भी वेबसाइट में जाओगे एंटर करनी पड़ेगी, फिर आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो और उस फोटो के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे आपको। एक फोटो सेल करने के आपको जो है 100 रुपए से लेके जो है 2 से 3 हजार रुपए तक एक फोटो के सेल करने के मिलते हैं आप। ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार फोटो आपने अपलोड कर दिया तो 2 दिन बाद ही बिकेगा, 3 दिन बाद ही बिकेगा। लोग ऐसे से भी है जिन्होंने 5 साल पहले फोटो अपलोड किया था और अभी तक उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो एवरग्रीन फोटो कभी पुराना नहीं होता है, ठीक है ना। आप अगर मग लेके ऐसे करके फोटो खिंचाओगे तो क्या 10 साल के बाद कोई वही फोटो लेगा तो उसके लिए पुराना होगा? नहीं होगा ना, उसके लिए पर्पज वही होगा, वही काम आएगा। तो अगर आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में 4 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो घर बैठ के आप फोटो खींच के महीने के लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। और जो भी वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा, आप सब वेबसाइट में एक ही फोटो हर वेबसाइट में दे सकते हैं। मैं नीचे में जो है 10 बेस्ट जो सबसे ज्यादा पैसे देते हैं और सबसे रेप्यूटेड जो बहुत बड़ी कंपनी है उसके मैं नीचे टॉप 10 के मैं नाम दे दूंगा, और जो है हर वेबसाइट से जो है पैसे आप इजिली कमा सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।